अच्छा राजा भाई, चलो बाहर तो गर्मी हो रही थी, हम यहाँ एसी में बैठे थे, अब बात करते हैं। अब बताइए हमें फायदे बताइए इकट्ठे परिवार के। अब इकट्ठे परिवार के एक फायदे हैं कि मानने की बात, जैसे घर में हम हो गए, मैं और वाइफ हो गया, जी सही बात है, एक बच्चा हो गया हमारा। अब मानने की बात यह है कि वाइफ बीमार हो जाए तो फिर काम कौन करेगा, परात और रात सब हाथ में आ रहे हैं जी, बिल्कुल सही बात है। और अब तो हमारे हिंदुओं में लोगों ने पता नहीं क्या एक बच्चे से ज्यादा बनाना ही नहीं चाह रहे बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आया हूं गांव दरियापुर जिला मुजफ्फरनगर में बबलू प्रधान जी के मकान पर। आने का मकसद, इनकी जो फैमिली है सारे भाई इकट्ठे रहते हैं बाबाओं के टाइम से, 900 बीघे ज़मीन है, 8-8 ट्रैक्टर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इनका मकान दिखाएंगे और अपने बड़ों की इन्होंने कितनी संपत्ति बढ़ाई, कितना कारोबार बढ़ाया गाँव में रह करके, आपको सारी जानकारी देंगे। ये देख लो, ये इनका मकान है, आप इस मकान का फ्रंट से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा मकान अंदर से होगा। ठीक है जी, 5 बीघे में शानदार मकान बना है भाइयों। गांव में इतने बड़े बड़े ही मकान रहते हैं क्योंकि किसानों को ट्रैक्टर ट्रॉली और उनके कृषि यंत्र खड़े करने के लिए बड़े बड़े मकानों की ज़रूरत पड़ती है। ये देख लो आप, इस मकान का फ्रंट देख लो, ये देख लो, और इधर से ऊपर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको पूरा मकान घुमाते हैं और हम इनसे आपकी बात करवा देते हैं। ये देख लो, हम एंट्री कर चुके हैं, यहाँ पर इनका ये बाबा जी का फोटो लगा हुआ है, स्वर्गीय हरनंद सिंह जी, वो स्वागत है आपका हमारे चैनल में जी। सबसे पहले अपना नाम, बड़ों का नाम और गाँव के बारे में बताइए। मेरा नाम राजा है जी, जी ग्राम दरियापुर जी, और हमारे बब्बा जी और दो भाई हैं जी। अच्छा, प्रधान विक्रम सिंह जी और प्रधान पूर्ण सिंह जी। अच्छा अच्छा, हमें आप अपना मकान घुमाइए जी, आ जाइए। अच्छा राजा जी, जमीन कितनी है अपने पास? हमारे पास 900 बीघे जमीन है जी। 900 बीघे? हाँ जी, ये दोनों बाबा जी के पास हैं जी। अच्छा अच्छा, 900 बीघे जमीन है जी। बहुत बढ़िया, 900 बीघे, मतलब दादा लाई जमीन है, थोड़ी बहुत बढ़ाई? बस जमीन तो बढ़ाई नहीं जी, बिजनेस बढ़ाया हमने, भट्टे लगाए अभी दो अलग, दो वैसे काम तो भट्टों का ही है हमारे, पहले दो थे, दो और बनाए अब। अच्छा अच्छा, हाँ जी। हमने सुना है आने का मकसद हमारे यहाँ दरियापुर में जी, कंबाइंड फैमिली है आपकी? कंबाइंड फैमिली है। फैमिली कितनी है परिवार? ये तीन परिवार हैं जी हमारे, तीन परिवार। हाँ, मतलब बाबा जी और दो भाई थे ना हमारे, में बताया अभी पूरण सिंह और विक्रम सिंह जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक पूरण सिंह जी हैं, ये 12 बीघे का एरिया है हमारा, 6 बीघे में हमें और 6 बीघे में हमारे बाबा जी के दूसरे वाले भाई हैं। अच्छा अच्छा, ये जो मकान है आपके हिस्से में 6 बीघे में? 6 बीघे जमीन जी। बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो खेती कौन कौन सी करते हैं? खेती अधिकतर गन्ने की कर रहे हैं जी। गन्ने की? हाँ, ट्रंच विधि पे आगे हो गए? नहीं, ट्रंच नहीं है जी, हम तो अभी नहीं सादा ही बोल। क्यों? ट्रंच ज्यादा बेनिफिट लग रहा है ट्रंच में? नहीं, ट्रंच बोया नहीं जी हमने अभी, बल्कि हमारे भैया ने बो रखा है अभी। अच्छा, मैं अभी आ रहा था, पीछे पता नहीं कौन सा गांव पड़ा, वहाँ तो छोल लगी हुई है, दिल्ली में बेच रहे हैं गन्ने को अभी से, वो रस में दे रहे होंगे, रस में दे रहे, 450 रुपए क्विंटल दे रहे हैं जी, बिल्कुल दे रहे। तो ट्रंच यहाँ क्या सक्सेस नहीं है या कैसे? नहीं, बस सक्सेस तो है जी, जब हमने बोया नहीं जी, हमें जानकारी नहीं उसके बारे में, सक्सेस नहीं है। हाँ जी, हमने तो सादा ही बो रहे, वो 28-30 इंच वाला। जैसे कि आपके पास 900 बीघे जमीन है जी, तो क्या देखते आप, कहीं बाहर काम करते हैं या खेती देखते हैं? मैं तो खेती देखता हूँ जी, खेती पापर बिजनेस देखते हैं जी। अच्छा अच्छा, ये भट्टो वट्टो का काम देखते हैं जी। अच्छा अच्छा, चलिए चलते चलते बातें करते हैं। ट्रैक्टर कौन कौन से अपने पास, ये कितने हैं? ट्रैक्टर 7 हैं जी हमारे पास, 5 तो यहाँ खड़े हैं। हाँ, 2 अंदर खड़े जी। अच्छा, 2 अंदर खड़े कर दिए। हाँ, ये हमारा सबसे पुराना ट्रैक्टर है जी, हमारे बाबा जी ने लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ उसके बाद ये लाए थे जी। ये सबसे ज्यादा ट्रैक्टर महिंद्रा के हैं? ये महिंद्रा है जी, हाँ सबसे ज्यादा, महिंद्रा 575 है भाई। और ये तो नया ही है, ये तीनों ही नए हैं जी। अच्छा, तीनों ही नए हैं। हाँ, ये महिंद्रा 575, ये न्यू होलैंड 3630 जी, और ये मैसी जी। तो अलग अलग उपयोग आता होगा इनका? हाँ, बस सबका अपना अलग आनंद है जी, ट्रैक्टर का। हाँ जी, चलिए अंदर चलते हैं आपके। हाँ, देखते हैं, देख लो भाइयों, ये इनका नीचे से मैं आपको एरिया दिखा देता हूँ, ये पूरा 6 बीघे है जी, ये देख लो भाई, बहुत ही बढ़िया। और इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, अब हमें आप ये बताओ, बिरादरी कौन सी है अपनी? हम गुज्जर हैं जी, पोसवाल। पोसवाल? हाँ जी। अच्छा, गांव में कौन कौन सी रहती है बिरादरी? गांव में अधिकतर गुज्जर हैं जी, कुछ एक परिवार ब्राह्मण है, एक गुसाई है। अच्छा अच्छा, अधिकतर तो गुज्जर ही हैं जी ज्यादा यहाँ। अच्छा, हमने सुना जब से प्रधानी का नियम शुरू हुआ, प्रधान आप? हम ही है जी प्रधान, ये गांव ही हमारा, एक तो छोटा गाँव है जी हमारा, 500 वोट है इस गाँव में, परिवार सही है जी हमारा। अच्छा, आपका परिवार? हाँ, दरियापुर, दो गाँव का प्रधान बनता है जी यहाँ खड़ी दरियापुर का। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, बल्कि शुरू से हम ही प्रधान रह रहे जी। अच्छा, जिला पंचायत में भी आ जाओ? हाँ जी, पिछली बार पापा जिला पंचायत थे जी। अच्छा अच्छा, और छोटे वाले जो पापा छोटे वाले हैं वो ग्राम प्रधान थे जी। अच्छा, हाँ जी, इस बार लड़े नहीं थे हम प्रधान जी। चलिए बहुत बढ़िया। जैसे गांव में आपको पता है राजा जी,
नशा पत्ती बहुत है, तो आप अपने गांव के बारे में बताइए क्या नशा वगैरह ज्यादा है? नशा पत्ती तो देखो कुछ तो करते ही हैं जी, समझावे भी लोगों को मत करा करो। हमारे परिवार में तो कोई नहीं करता, पापा या भाई भाई हैं अपना, कभी कभार वो भी कोई आ गया फंक्शन वगैरह में, नहीं नहीं तो कोई ऐसा लत नहीं है, काम पे ध्यान है, बस लत नहीं है जी किसी चीज की ऐसे नशे। आप कितने भाई हो? हम दो भाई हैं जी, मैं बड़ा हूँ, एक छोटा है मेरे से। चलिए बहुत बढ़िया जी, चलिए ये देख लो भाई, बहुत बड़ा एरिया है इनका, ठीक है, अभी टावर लगवा रखा है। हाँ बस ये अभी हमारे 2-4 साल से गांव में रेंज आई जी, आज तक नेटवर्क नहीं था जी। अच्छा, कुछ पैसे देते हैं क्या लगाने का? हाँ 4500 रुपए किराया है जी महीने का। हाँ जी, बड़े कम दे रहे यार, तो बहुत कम पैसे बस गांव में इतने ही दे रहे जी, बस लोगों को पैसों की नहीं थी जब यहाँ तक नेटवर्क ही नहीं था जी। अच्छा नेटवर्क नहीं था भाई, ये नेटवर्क के चक्कर में लगवा लिया। चलिए बहुत बड़ा। हाँ जी चलो, ये जियो का जी है। हाँ जी, ये अपनी ये यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं, ये देख लो ये सारा पशुओं का एरिया है यहाँ पर। हाँ जी बहुत ही बेहतरीन, ये यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा पशुओं का एरिया है, ये देखो बहुत ही बढ़िया। चलिए ऊपर चलते हैं राजू जी, बातें करते करते अब हमें ये बताओ, जैसे कि आप छोटे किसानों का हमारे यहाँ ज़्यादा वो है जी, तो छोटा किसान, छोटा युवा किसान कैसे कामयाब हो, कुछ थोड़ा सा खेती में कैसे काम करे जो कामयाबी हो जाए? वो मेहनत करे जी अपना। अच्छा अच्छा, हाँ कभी गलत विचार ना रखे कोई मन में। अच्छा अच्छा, हाँ अपनी मेहनत करे जी। ये देख लो भाई, इनका ब्लैक गोल्ड है, काला सोना बोलता हूँ मैं इनको, ठीक है, ये काला सोना ही होता है भाई जी, ठीक है। ये देख लो जी, ये आ गई का, ये नीचे की बैठक देख लेते हैं, ये रखा है यहाँ हुक्का, ये कुर्सियाँ और ये हरी चारपाई, ठीक है जी, ये देख लो, ठीक है भाई, ये देख लो। चलिए अंदर देख लेते हैं एक बार, ये देख लो भाई, ये कितने भाई कितने की होगी राजा भाई? 16 बाई 16। ये देख लो भाई, ये सोफे पड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये लगे हुए हैं साइलेंट पंखे, ठीक है, इन पंखों की खास बात यह है ये आवाज़ नहीं करते, ठीक है जी, ये देख लो बेहतरीन, और इनका ये कलर है ये बहुत बेहतरीन है, इसमें ये पेंट है भाई, ये टेक्चर है, ये देख लो भाई, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इधर क्या है, ये भी कम रही है जी। अच्छा इसको भी दिखाओ भाई, और ये देख लो मूठे पड़े जी भाई यहाँ, ठीक है। किसान भाई कितना बड़ा हो जाए, चारपाई हुक्का मूढ़े मिलते ही हैं, क्योंकि ये हमारा कल्चर है, चूल्हा भी मिलता है, ठीक है जी। और ये दो रूम है यहाँ पे अटैच, ये देख ये तो पूरा तुमने शिमला बना रखा पूरा, ये तो पूरा ठंडा कर रखा भाई, चल रही है एसी, ठीक है जी। हाँ 4-5 AC हैं, 6 AC हैं, हाँ बढ़िया है जी, सही। अब क्या है ना, AC एक जरूरत होगी, गर्मी इतनी होती है, हर तरीके का आदमी आता है। हाँ भाई आदमी ऐसे भी आते हैं पापा के, तो जो आज तक मैंने AC के भी नहीं, वो नहीं रहेंगे वो बीमार होकर जाएंगे, फिर आएंगे नहीं दोबारा, क्या फायदा, सही बात है। सही बात है, देख लो 4 पाई पे ही लेटते हैं भाई, और ये नीचे लगा है पत्थर, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया। अच्छा राजा भाई, हमारे कुछ किसान भाई ये पूछते हैं, AC की बात करते हैं, क्योंकि आपके यहाँ 6 से लगी है, स्प्लिट बढ़िया रहती है विंडो, मतलब ठंड के मामले में, मतलब वो बताना क्वालिटी के बारे में, विंडो ज़्यादा ठंडी करती है ना, स्प्लिट का क्या है, स्प्लिट थोड़ी देर में जब रूम ठंडा कर देती है तो उसका कंप्रेसर बंद हो जाओ। अच्छा, जिनका कंप्रेसर बंद नहीं होता सस्ती में मिल जाओ, ये कुछ सस्ते 10-20 हज़ार का तो फर्क है, 20 हज़ार रुपये फर्क तो बहुत हो। चलिए, उनकी आवाज नहीं आती है, थोड़ी बहुत आवाज करें, ये थोड़ी आवाज कूलिंग ज्यादा है भाई, मेन चीज तो कूलिंग चाहिए हमें। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, चलिए ऊपर, चलिए ऊपर चलते हैं। चलिए भाई ऊपर से हम आपको इनका मकान दिखा देते हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देख लो, ठीक है, ड्रोन की मदद से भी हम आपको दिखा देंगे। इनके ट्रैक्टर है, सामने का फ्रंट है, ठीक है, 6 बीघा ये एरिया है। कुछ लोग पूछते हैं बीघा, 1 एकड़ में 6 बीघा होता है। हाँ जी ठीक है, आप 1 एकड़ का मकान भी लगा सकते हैं, कुछ 5 बीघे बताते हैं एकड़ में, कुछ 6 बीघे बताते हैं, कहीं 5 होता है कहीं 6 होता है। चलिए अब ऊपर चलते हैं जी। टोटल कमरे कितने होंगे राजा सर इसमें?
नीचे हैं जी, 7-8 कमरे नीचे हैं। अच्छा अच्छा। कुछ 2-3 ये हॉल हो रहे हैं बहुत बड़े बड़े। अच्छा अच्छा। हाँ जी, अभी तो काम चल रहा है मकान में? काम चल रहा है जी हाँ, हमने अभी रहना शुरू करा जी हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ अभी मतलब अभी 5-6 महीने से ही, नहीं तो हमारा मकान है पुराना जो हमारे बाबा जी ने ही बनाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। वही पुराना मकान है जी। जी जी, जी ये देख लो भाई, ये आ गए हम ऊपर। ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो यहाँ। ठीक है, और ये इनका ऊपर का रूम है, ड्राइंग रूम, ये देख लो, ये देख लो भैया, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। चलिए सर, एक आधा रूम और दिखा दो अपना। जी सर। ये अभी काम चल रहा है इसमें? हाँ जी, काम चल रहा है, अभी तो काफ़ी काम रह रहा है जी यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये देख लो भैया, यहाँ तो ठंड है, एसी चल रही है? हाँ जी, एसी। एसी कहाँ दिखा? अच्छा वो लगा रखी ऊपर। हाँ जी, बाहर तो बहुत गर्मी है आज। ये इनका इंटीरियर है भाइयों, आप देख लो। ठीक है, नीचे टाइल है तो? हाँ जी, ये टाइल है जी। ये टाइल लगी हुई है जी। ठीक है जी, और ये इनका पीछे से वुड वर्क देख लो आप, ये ऊपर ये POP है, सिंपल बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पर LED वगैरह लगी है, और ये यहाँ पर इन्होंने कलर करो पेंट करवाया है, तीनों दीवारों पर अलग अलग पेंट है। ठीक है जी, चलिए राजा जी नीचे चलते हैं जी। चलिए सर, ये क्या है जी, इसमें कुत्ता बंधा हुआ है? ये एक बोने का लेजर है जी, गन्ना बोने का। गन्ना बोने का? हाँ जी। अच्छा, ये तारा वालों का है? ये तारा वालों का जी, मुजफ्फरनगर से। और ये इसमें बीज, बीज का भी जुगाड़ है? हाँ जी। अच्छा, भी ये डाल लेते होंगे इसी में फिर? नहीं, भूसका दूसरा है जी हमारा। अच्छा, अच्छा। वो जहाँ पहले गए थे ना, उधर है जी भूसका तो। बल्कि हमारी 2 ट्रॉली उधर ही खड़ी हुई है। अच्छा अच्छा। वो छावा कर देते हैं जी, खड़ी छाए छावे में जी। देख लो भाई, नीचे देख लो आप। ठीक है जी, यहाँ से लेकर के और इधर तक मैं आपको दिखा दूँ, जहाँ तक पीछे नजर जाती है, इतना बड़ा मकान है। कुछ किसान भाई बोलते हैं इतने बड़े बड़े मकानों की जरूरत क्या पड़ती है। ठीक है, जो गुजरात के, महाराष्ट्र के हमारे किसान भाई हैं, वो बोलते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान इतने बड़े बड़े मकान रखते हैं। तो भाइयों, मैं आपको बता दूं, जो बड़े किसान होते हैं उनके पास ज़मीन ज़्यादा होती है, और कृषि यंत्र रखने के लिए और पशुधन रखने के लिए बड़े बड़े मकान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और जो फैमिली कंबाइंड रहती है उनको भी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा राजा भाई, चलो बाहर तो गर्मी हो रही थी, हम यहाँ एसी में बैठे थे, अब बात करते हैं। अब बताइए हमें फ़ायदे, बताइए इकट्ठे परिवार के। अब इकट्ठे परिवार के एक फ़ायदे हैं कि मानने की बात, जैसे घर में हम हो गए, मैं और वाइफ हो गया जी, सही बात, एक बच्चा हो गया हमारा। अब मानने की बात यह है कि वाइफ बीमार हो जाए तो फिर काम कौन करेगा? परात और रात सब हाथ में आ रहे हैं जी, बिल्कुल सही बात है। और अब तो हमारे हिंदुओं में लोगों ने पता नहीं क्या, एक बच्चे से ज़्यादा बनाना ही नहीं चाह रहे बिल्कुल भी। एक बच्चा बिल्कुल, हमारे गुजरो जाटों में ऐसे ही हो रहा जी, अपना एक दो बच्चे बनावे और जाए सोचते ही नहीं फिर। हाँ जी, और अपना नुकसान ये है जी। नुकसान क्या है बताइए? रोक लो एक सेकंड जी, नुकसान बताइए। अच्छा, नुकसान क्या है? जैसे अब जैसा आदमी अकेला रहता है जी, अकेले में तो अपनी सुई तक संभाल के रखेगा, वो सुई को भी खोल सारी ही, मतलब कुछ भी है अपने, ट्रैक्टर ट्रॉली अपना, ना किसी से कोई मतलब, ना वास्ता अपना, सब चीज़ ध्यान से रखेगा। सही बात। और जैसे अब कई सारे हो जाते हैं तो वे लोग बार लापरवाही कर रहे हैं, जो हमें मिला हुआ उसकी कदर नहीं करते बिल्कुल भी, बिरान में लग जा, नशे पत्ती में लग जा। और अपना ये है कि समझाते रहो, नहीं मानते ज़्यादा वालक जी। पर आपके यहाँ ऐसा नहीं है, मुखिया आपका बढ़िया है? नहीं, बिल्कुल सख्त है जी हमारे घर के। मुखिया कौन है? पापा ही है जी। अच्छा, आपके पापा? हाँ, पापा ही बड़े हैं जी हमारे घर में। चलिए, अच्छा भट्टे कहाँ कहाँ हैं आपके, बता रहे थे? भट्टे एक तो हमारा है बिडैडी, मोरना के पास है बिडैडी। अच्छा अच्छा। ब्लॉक मोरना है हमारा, मोरना में है बिडैडी, और एक हमारा भट्टा है बेड़ा। अच्छा, यही बेड़ा पड़ता है हमारे यहाँ, गाँव से बाहर निकलते दरियापुर से बाहर ही बेड़ा। और एक भट्टा हमारा बेड़े से अगला गाँव है निवादा, जोली रोड है हमारे यहाँ पास एक, तो बेड़े से जैसे आप जोली रोड जाओगे एक वहाँ पे है। हाँ जी, तो भट्टे का काम सही है? हाँ, बढ़िया काम है जी हमारा, शुरू से ही कर रहे हैं ना जी हम, बल्कि पापा को जानकारी है भट्टे की। ये बताओ ना, लेबर भाग जा करते पैसे ले कैसे? हाँ जी, नहीं वैसा ऐसा कुछ नहीं, देखो काम तो सारे हों। सही बात, जैसे बोल रहे हैं ना भैया, जीवन में उतार चढ़ाव तो हो ही है। अच्छा, हमने देखा है ये राजा भाई, भट्टे वाले मशीन लाए थे ईंट बनाने की,
वो कामयाब नहीं हुई भैया, वो 50 लाख की मशीन भी कामयाब नहीं हुई। नहीं हुई नहीं जी, उसकी ईंट क्या थी भैया, तिड़क जाती थी। तिड़क जाती थी। जैसे भट्टी में गर्म करते थे उसे तिड़क जाती थी वो। अच्छा, और अब तो बल्कि वो गारे वाली तो लाए, गारे वाली तो कामयाब है। हाँ, वो जेसीबी गारा डालती है उसमें और वो अपना ट्रैक्टर में डाल के अपना पसारों में छोड़ देते हैं। ईंट का क्या रेट चल रहा है अभी? तो ईंट यहाँ 5400-5500 अब होगी ना। हाँ भाई, अब बात करते हैं खेती की जी। 900 बीघे जमीन है। हाँ जी, तो कैसे मेंटेन करते हो 900 बीघे? तो जमीन बहुत होती है। बिल्कुल, ये हमारे, मैं हूँ, भैया हैं बड़े वाले, उनके भाई हैं, तो 2-3 हैं। हमने बताया था ना 3 पोर्शनों में जमीन है, तो आधी मैं कवर कर लेता हूँ, आधी दूसरे वाले 300-300 कवर कर लेते हैं। 300 भी बहुत आते हैं, कैसे करते हैं? बस देखभाल करता हूँ, तो नौकर हैं जी, 5-6 नौकर हैं। तो है पर मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी चीज होती है 300 बीघे की। हाँ जी, कौन कौन सा गन्ना बो रखा? गन्ना सब 38 है जी हमारे पास। तो 38? हाँ, अब लोग आने कहने लगे इसमें रोग ज्यादा आने लगा 38 में। रोग तो आ रहा जी, देखो, और इससे अच्छा बीज भी तो नहीं आया अब तक। ये भी बता रहे लोगों ने, अब की बार पिछले सीजन में 1000-1000 रुपए क्विंटल बेचे है। कौन से बीज? 36 था जी। 36? वो एक 34 है जी और एक ही है 14201। तो बढ़िया बीज है। मैंने नहीं बोया जी अभी। अच्छा, अभी नहीं बोया। अभी हमारे भाई ने बो रखा, अभी देखते हैं जी उसकी क्या स्थिति होती है, बो के देखते हैं। अच्छा अच्छा, अभी तो अच्छा खड़ा है, ट्रंच पे बो रखा है थोड़ा सा। 200-250 आंख मिली थी उन्हें। अच्छा अच्छा, वही बो रखी जी अभी। अच्छा, तो जो आपकी जमीन है ये 300 बीघे जी, एक डोल है अलग अलग है? अलग अलग है। कच्ची है? नहीं, जमीन बढ़िया है जी। जमीन बढ़िया, गन्ना निकल जा सकता है? ज्यादा निकल जा। कितना? 70-75-80, कुछ खेत अच्छा है वो 86-90 है। आप समझे नहीं, मैं एवरेज पूछ रहा हूँ। सारा सारा एवरेज मिला 300 बीघा? सारा 60 से ऊपर नहीं जाता होगा? 60 का एवरेज बहुत नहीं, बढ़िया आ जा जी 75 के आसपास। 75 का एवरेज आ जा। अब कारण क्या हो जा जी, हमारे यहाँ पोगे नहीं छोड़ते लोग। जैसे लास्ट में जो हमारा 30-35 बीघे गन्ना बच जाता है 40 बीघे हर साल, तो उसके पोगे नहीं छोड़ते। अगर उसके पोगे छोड़ दें तो सारा एवरेज बढ़िया आ जा। अब मई तक लास्ट तक गन्ना डालना पड़े, तो उसका क्या है, जब गन्ना डालना पड़े लास्ट तक वे पोगे नहीं छोड़ पाते। गन्ना ज्यादा रह जाए मिल के 2-4 दिन रह जाए, उसे कहाँ लोग कवर करेंगे जी, वो छोड़ नहीं पाते। अगर वो पोगा छोड़ दे तो हमारा सारा एवरेज अच्छा आ जाए। यहाँ थोड़ी सी मार खा जाए। किसानों भाई की काफी वीडियो बनाई है जी, बोलते हैं खर्चा बहुत आने लगा खेती में। खर्चा तो बहुत है जी देखो। तो अगर आप बताना चाहें तो मतलब 300 बीघे में अगर बात करें काट पीट के कितना बचत हो जाती है? बस अपना खर्चा पानी बच रहा है, कोई इतना वो नहीं है। फिर भी एक 15-20 लाख तो इतने तो बचने चाहिए जब इतनी जमीन है, या नहीं बचते? बस बचत पूछ रहा हूँ, बिल्कुल प्योर बचत। वो बचत का तो पता नहीं अभी। फिर भी आइडिया है? ना जी, आइडिया नहीं है। अच्छा, तो जोड़ा नहीं कभी? ना जोड़ा नहीं जी, बस आ गया बस अपना लेन देन चलता रहे जी बस। हाँ, क्योंकि आजकल क्या है ना राजा जी, इसमें जो गन्ने की खेती है ना, मेरे हिसाब से 10,000 रुपए बीघा का खर्चा तो आ जाता होगा। बिल्कुल ज्यादा ही ना आ रहा हो, 13-14 हजार के आसपास ही ना रहा हो जी। बिल्कुल ज्यादा पड़ रही है। अब देख लो, अब तक लोग स्प्रे कर रहे हैं, अब क्या हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई। हाँ। तो एक वो रोग आ रहा है, एक पोका बोइंग आ रहा, जिससे गोब सी वो डंडी सी सूख रही है, वो ज्यादा आ रहा, उसकी स्प्रे कराई थी, अभी बारिश नहीं हो पाई, वो फिर जुका तो आ गया, फिर स्प्रे करा रहे। अब ये देख लो तुम, 5 बीघे में 5,000 से कम दवाई नहीं है, पेस्टिसाइड का बिल्कुल जी। अब भी हमारे दवाई भरी धरी आपके जैसे 3-4 लाख की दवाई आ जाती होगी। हाँ, 5-6 लाख का सीजन उतर जा जी, हर बार दवाई गई। हाँ जी। अच्छा, पहले जो हमारे बड़े थे भाई, आपने तो नहीं देखा होगा, पिताजी ने आपके देखा होगा जी, दवाई पवाई कुछ नहीं थी, कुछ बढ़िया 70 का एवरेज लेते थे। बिल्कुल नहीं, 70 का तो था नहीं, एक तो पहले 20-67 वगैरह होते थे। हाँ, काट का बीज था। हमारे यहाँ इतनी बढ़िया तो जमीन नहीं है, अच्छी है, पर जैसे लोगों की ढेर जमीन है वो नहीं है। अच्छा, हाँ, तो यहाँ इतना एवरेज नहीं आता था तब, 30-40, यहाँ तक ये देख लो 40-50 के आसपास तगड़ा एवरेज होता था वो, जो सबसे बढ़िया। आप एक बात बताओ, अगर हमारा पेस्टिसाइड का खर्चा जीरो है, 50 का एवरेज भी होता है, बढ़िया, सारा ही तो नहीं है, सारा ही, पर होता तो नहीं जी, अब नहीं होता। ये तो 38 बीज ऐसा आ गया, बिना दवाई के कुछ भी नहीं होने का इसमें। हाँ जी, तो चलिए राजा जी, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने आपकी बात करवाई राजा भाई से, उनके एक्सपीरियंस भी आपके साथ साझा किए। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलता हूँ ऐसी किसानों से संबंधित अगली नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।